हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल होम रेमेडीज ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इजी रेमेडी, जो DIY फेस वॉश में आज आपको बताऊंगी, जो आपके फेस पे जितने भी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, डार्क स्पॉट्स है, पिंपल्स है, सब रिमूव कर देगा। नेचुरल है, कोई ये मार्केट का प्रोडक्ट नहीं है। मार्केट के फेस वॉश करने से आपको हमेशा जानते ही हैं पिंपल्स हो जाता है। मैं भी मार्केट का यूज़ करती थी तो मुझे बहुत पिंपल्स थे पहले, अब मुझे एकदम रिमूव हो चुके हैं। मैं घर का ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, घर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मैं वही सब यूज़ करती हूँ। मार्केट पर मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। वैसे मेरी स्किन इतने सेंसिटिव है कि मार्केट में मैं कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मेरे फेस पर रेडनेस आ जाते हैं, तो मुझे वो बहुत ही गंदे लगते थे। तो मैं घर का जब से यूज़ करना स्टार्ट की हूँ तो वो बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट आया है। आज मैं वही आपको फेस वॉश आपको बताऊँगी जो मैं यूज़ करती हूँ अभी भी। तो बताती हूँ क्या है वो रेमेडी। फेस वॉश बनाने के लिए हम 1 स्पून हनी लेंगे। हनी हमारे डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल को रिमूव करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। हम हनी लेंगे और 1 स्पून हम, जितना हम हनी लिए हैं उतना ही हम टोटल 1 स्पून हम एलोवेरा जेल लेंगे। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपके स्किन में जितनी भी सेंसिटिव स्किन है सबको रिमूव करता है। रेडनेस है, जो भी इरिटेटिंग है सबको रिमूव करने में ये इफ़ेक्टिव होता है। आप ये दोनों को मिक्स कर लीजिए। ये फेस वॉश आप मॉर्निंग में यूज़ कीजिए, आप जब उठते हैं तो ये फेस वॉश आप मॉर्निंग में उठिए। अगर आप ये सेंसिटिव स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए है आप इसे यूज़ कीजिए मॉर्निंग में, सुबह में उठने के बाद आपके जितने भी रेडनेस है, डार्क सर्कल है, सब रिमूव करने में ये काम आएगा। मेरी सेंसिटिव स्किन है तो मैं यही यूज़ करती हूँ। हमको जो भी होता है मैं जल्दी से, ये रेडनेस मुझे बहुत आ जाती है, मैं इरिटेटिंग बहुत होती है तो ये रिमूव करता है जल्दी। आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये फेस वॉश। मार्केट के ब्रांड में आपको चेहरे पे बहुत ज़्यादा ही झुर्रियाँ या पिंपल्स हो जाती हैं, इससे कुछ नहीं हो, ये बिल्कुल नेचुरल है। कुछ भी आपको इसमें फेस पे ख़राबी नहीं नज़र आएगी, बिल्कुल ये इफ़ेक्टिव है। आप इसे फेस पे रोज़ मॉर्निंग में यूज़ कीजिए। तो गाइज, ये थी आज की रेमेडी, बहुत ही इजी, बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और गाइज, आज आप मुझे बताएंगे कि आज मैं आज कैसी लग रही हूँ। सॉरी, मैं अपनी तारीफ करवा रही हूँ, बट प्लीज़ बताइए कि मैं आज कैसी लग रही हूँ कमेंट सेशन में। और आपको ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी, बहुत ही नेचुरल है, कोई आपकी स्किन को हार्म नहीं होगा। शहद और एलोवेरा जेल आप जानते हैं कितने आपके स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं, तो कोई आपको ये नहीं होगा कि हाँ स्किन पे कुछ भी खराबी नहीं नज़र आएगी। आप इसे मॉर्निंग में यूज़ कीजिए, उठने के बाद आप रेगुलर यूज़ कीजिए, आप देखेंगे आपकी स्किन में कितना इफेक्ट नज़र आएगा, कितना कुछ रिजल्ट अच्छा आएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, मैं यही ट्राई करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम ऐसे और अच्छी अच्छी रेमेडी लेके आएंगे। अगर आपको कोई न्यू रेमेडी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेशन में आप मुझे बताइए, मैं वो रेमेडी ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगी। तो मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक न्यू रेमेडी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।